গৌরী কে মনে আছে? লাগানের গৌরী, ব্যাস দেখলেন তো, নাম আর বলতে হবে না। আসুন আজ গৌরীর সাথে একটু আড্ডা মেরে নিই। ওয়েলকাম ম্যাম টু কলকাতা। নমস্কার, থ্যাংক ইউ। ইজ দিস দ্য ফার্স্ট টাইম ইউ আর কামিং টু কলকাতা অন দিওয়ালি? ইয়েস, অন দিওয়ালি দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম, আদারওয়াইজ আই হ্যাভ বিন হিয়ার মেনি টাইমস বিফোর। What's your experience for the first time? Your vibe, your lights, ye sab shor sharaba kaisa lag raha hai? Bahut acha lag raha hai, bahut saalon ke baad ab sab open ho gaya hai aur main bahut khush hu aaj, bahut saalon ke baad wapas aayi hu Kolkata mein aur yahan ka culture, jo tradition hai wo mujhe bahut hi pyara lagta hai. So I'm very happy and I wish everyone a very very happy Diwali and safe Diwali. Ma'am, आपको बहुत सारे फिल्म में सिलेक्टिव रोल्स करते हुए दिखा गया है, अरमान में एक अच्छा किरदार, फिर गंगाजल, मुन्ना भाई MBBS, उसके बाद उस टाइप का रोल में आपको आजकल उतना क्यों नहीं हम लोग पा रहे? नहीं, मैंने जो भी किया अपने इंटरेस्ट से किया और मुझे लाइव परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा आनंद आता है, तो आई डू मोर ऑफ क्लासिकल डांस एंड स्टेज परफॉर्मेंसेस, सो दैट इज समथिंग आई हैव लव्ड डूइंग. और मैंने बहुत अच्छे मूवीज़ में मुझे एक्सपीरियंसेस हुए थे, एंड स्पेशली आई ऑल्सो एक्टेड इन अ बंगाली फिल्म कॉल समाधि, दैट वॉज ऑल्सो अ वेरी वंडरफुल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, क्योंकि इसमें मीरा जैसा रोल था मेरा. समाधि फिल्म आप बंगाली खुद डब किए हो या कोई और? डब तो नहीं कर सकी, बट वैसे मैंने बोली थी उसमें बहुत. तो थोड़ा कुछ बंगाली में कुछ अपने दर्शकों को बोल दीजिए. बंगाली में अभी खूब भालो लागछे. थैंक यू. एंड वंस अगेन जस्ट टेल मी कि आपका नया कुछ प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइए. इस सब बातों से एक ब्रेक हो गया था बहुत समय से, बट आई वॉज कंटिन्यूसली वर्किंग फॉर टेलीविजन. आई वॉज प्लेइंग संतोषी माँ, वो 2015 से वो कंटिन्यूस चल रहा है, कभी ब्रेक भी होता है बीच में, बट वी डिड 2 seasons ही स्टिल, एंड आई होप टू कंटिन्यू दैट वर्किंग इन टेलीविजन. इट्स वेरी गुड एक्सपीरियंस. और मैम, गौरी के मुंह से एक वो एक्सपीरियंस मैं सुनना चाहता हूँ कि सीरियल में तब आप काम कर रहे थे, बहुत हिट भी हो गए थे, अचानक वहाँ से आमिर खान के प्रोडक्शन में, ये जर्नी एक बार आप बताइए. बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन आपके मुंह से वो बार बार सुनने में अच्छा भी लगता है. वो एक किसी भी आर्टिस्ट का एक सपना होता है, बिग स्क्रीन और एक ऐसा रोल. और मैं हमेशा से ऐसा इंडियन क्लासिक सिनेमा पसंद करती थी देखना भी, और उसका हिस्सा बनना तो एक मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात थी. एंड इट वाज रियली गॉड्स ब्लेसिंग एंड वेरी मेमोरेबल. आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ ग्रैंड प्रोजेक्ट. थैंक यू. फ्रॉम फिल्म मैम, वन मोर थिंग कि कोलकाता इज अ सिटी ऑफ फूड, तो आपको यहाँ पे कौन सा चीज़ खाना अच्छा लगता है कोलकाता में? मिष्टी दुई सबसे पहले, और जितनी भी मिठाइयाँ हैं, यहाँ आते ही जब मेरा वेलकम हुआ उन्होंने मिष्टी दुई सर्व किया, और बहुत सारे ऐसे व्यंजन हैं यहाँ के, सभी खास हैं. एंड यस्टरडे आल्सो आई हैड यू नो ट्रेडिशनल फूड हियर. सो आई हैव मैनी गुड फ्रेंड्स जो हमारे डांस ट्रूप के हैं मेम्बर्स, वो भी यहाँ कोलकाता के ही हैं. मैक्सिमम मेरे ट्रूप पे 50% डांसर्स बिलोंग टू दिस प्लेस, सो दे हैव ऑल्सो गॉट ब्यूटिफुल वेराइटी ऑफ फूड्स. दैट मीन्स यू हैव गॉट अ वेरी क्लोज कनेक्शन विद कोलकाता एवरी टाइम. थैंक यू मैम, थैंक्स टॉकिंग टू की खबर. আপনারা এতক্ষণ শুনলেন গৌরীর মনের কথা. আরও যদি কারোর মনের কথা শুনতে চান, চোখ রাখুন আমাদের চ্যানেলে কি খবর, সঠিক খবরের চাবিকাঠি.